जनपद सीतापुर के तहसील सिधौली के डा बंगले में हिंदुस्तान किसान मंच के द्वारा दो ट्राईसाइकल व कंबल वितरण का कार्यक्रम का आयोजन किया गया एवं जिला महासचिव के जन्मदिन पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिधौली में मरीजों को फल एवं मिष्ठान का वितरण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रशांत तिवारी व विधि प्रकोष्ठ के अध्यक्ष एतमाद हसन इदरीशी के द्वारा शांति फूलमती बड़को इंद्राणी रामरती मुन्नी रामपति कांति रहीना ज्ञानमती राधा सहित 300 लोगों को कंबल वितरण किया गया। कार्यक्रम संचालन संगठन के जिला अध्यक्ष आईटी सेल विमल तिवारी व जीतू पांडे के द्वारा किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष प्रशांत तिवारी व कार्यक्रम के संयोजक विशिष्ट अतिथि चागेश मिश्रा व जिला अध्यक्ष रोहित सिंह प्रदेश प्रवक्ता अनुराग पांडे के द्वारा माल्यार्पण का स्वागत व अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष प्रशांत तिवारी व कार्यक्रम के संयोजक विशिष्ट अतिथि जागेश मिश्रा व जिला अध्यक्ष रोहित सिंह प्रदेश प्रवक्ता अनुराग पांडे के द्वारा माल्यार्पण कर स्वागत व अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में किसानों को संबोधित करते हुए संगठन के प्रदेश अध्यक्ष प्रशांत तिवारी ने कहा कि हिंदुस्तान किसान मंच संगठन किसानों की प्रत्येक समस्या को समय समय पर उठाता है एवं उनके समस्याओं का निराकरण करने का हर संभव प्रयास करता है। वहीं संयोजक जागेश मिश्रा ने कहा किसानों की सहायता करने में उनके साथ हैं। संगठन के जिला अध्यक्ष रोहित सिंह ने किसानों की हर लड़ाई लड़ने की बात कही और कहा कि अगर किसी भी किसान भाई को कोई समस्या होती है तो हिंदुस्तान किसान मंच संगठन उनके साथ सदैव खड़ा है। जिला महासचिव संदीप मिश्रा ने कहा कि संगठन किसानों के सुख दुख में भी साथी है और किसानों व उनके हितों के लिए 24 घंटे तत्पर है। कार्यक्रम के समापन पर विमल तिवारी ने आए हुए अतिथियों पत्रकार बंधुओं व किसानों का आभार व्यक्त किया। वितरण का प्रोग्राम था उसके बारे में कुछ। आज चूँकि साल का पहला दिन है और हिंदुस्तान किसान मंच हमेशा कार्यक्रम सामाजिक करता रहता है तो मैंने सोचा कि साल का पहला दिन है तो किसी मंदिर में मत्था टेकने से अच्छा है गरीबों का दिल में उतरा जाए। तो आज हिंदुस्तान किसान मंच ने एक कसमंडा क्षेत्र के और एक सिधौली ब्लॉक क्षेत्र के दो विकलांगों को ट्राई से और भारी मात्रा में कंबल कार्यक्रम करने का सोचा था जो कि चल रहा है सुचारू रूप से। अच्छा, दिल्ली में बैठे किसानों के बारे में? दिल्ली में बैठे किसानों के बारे में केवल इतनी बात कहना चाहता हूँ कि हमारे भारत पूरे भारत देश की जो MSP है उसका सारा हिस्सा अगर सबसे ज़्यादा कहीं का किसान पाता है और खाता है तो वो पंजाब और हरियाणा का है। वो लोग खेती को एज ए बिजनेस की तरीके से करते हैं। इस बिल से दर्द उन्हीं को है जिनकी दुकानें बंद होने का। मैंने बिल को पढ़ा है और मैंने भारतीय जनता पार्टी को इस बिल का समर्थन पत्र भी सौंपा है और मैं मानता हूं कि इस बिल में ऐसा कुछ नहीं है जिससे किसानों का हित हो। अगर MSP की बात आती है तो भारत सरकार तैयार है, MSP वो मना नहीं कर रही है कि हम MSP खत्म कर रहे हैं, मंडियां ख़त्म कर रहे हैं, वो लिखित आश्वासन देने को तैयार है। साथ साथ बार शिक्षे बार बातें करने के लिए किसानों को बुलाया जा चुका है, बातों का हल नहीं निकला है। केवल इस बात पे अड़े हैं कि नहीं तीनों बिल वापस ले लीजिए। तो ये तो शुरुआत है, अगर तीनों बिल वापस हो जाएंगे तो अभी NRC का भी विरोध होना शुरू हो जाएगा, उनके बिल वापस करने की भी मांग शुरू हो जाएगी। अगर बिल में कुछ दिक्कतें हैं तो आप बैठिए बात करिए, जब भारत सरकार तैयार है कि हम उसमें जो कमियां हैं उनको दूर कर देंगे तो आप बैठ के बात करने के लिए। कुछ किसान संगठनों का मानना है कि इस बिल के माध्यम से सरकार खेती नहीं बल्कि उनकी जमीन खरीदना चाह रही है, फसल नहीं, इस बारे में आपका कहना है? मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ कि जब आप इस बिल का अवलोकन करेंगे तो उसमें केवल खेत की फसल का कॉन्ट्रैक्ट होना लिखा है, उसमें किसान की कहीं जमीन का कॉन्ट्रैक्शन होना ही नहीं है। आपकी इच्छा होगी तो आप अपनी फसल का कॉन्ट्रैक्ट करोगे किसी भी कंपनी से और आपकी अगर इच्छा नहीं होगी तो नहीं करोगे। ये केवल विपक्ष द्वारा कुछ संगठनों द्वारा भ्रामक खबर फैलाई जा रही है कि किसानों की खेती चली जाएगी, उनके खेतों पर विदेशी कंपनियों का कब्जा हो जाएगा ऐसा। तो और किसान भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा है, अब समय आ गया है। आज़ादी के इतने सालों के बाद किसानों के नाम पे कहीं कोई बिल नहीं बना था लेकिन ये बिल बना है, तो इसको एक बार मौका दीजिए, इसको ज़मीन पे आने दीजिए, 7-6 महीने इस बिल का फ़ायदा और नुकसान देखिए, उसके बाद आप विरोध करिए। अगर उसके बाद लगता है कि नहीं ये किसान बिल विरोधी है तो मैं इसलिए आप लोगों के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ किसानों को कि आप जो अपनी अपनी दुकानें चला रहे हैं उनकी भ्रामक खबरों पर मत जाइए और अपना ज्ञान स्वयं बढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद।